हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद इसके साइड में जो बेल आइकन है उस पर प्रेस कीजिए। यहाँ आपको ऑल का ऑप्शन मिलेगा, उस पर सेलेक्ट कीजिए सो दैट हमारे नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहेगी। हमारे वीडियोस देखने के बाद उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सभी के साथ। शेयर करने के बाद प्लीज़ नीचे जाके कमेंट करके बताइए कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगे। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद इसके साइड में जो बेल आइकन है उस पर प्रेस कीजिए। यहाँ आपको ऑल का ऑप्शन मिलेगा, उस पर सेलेक्ट कीजिए सो दैट हमारे नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहेगी। हमारे वीडियोस देखने के बाद उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सभी के साथ। शेयर करने के बाद प्लीज़ नीचे जाके कमेंट करके बताइए कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगे। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टुडे वी विल रीड चैप्टर 1 क्लास 7th एनसीईआरटी सब्जेक्ट साइंस। व्हाट इज अवर चैप्टर? न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, है ना? ओके, लेट्स मी सी व्हाई डू वी नीड फूड। हमें खाने की ज़रूरत क्यों होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी दैट व्हाई डू वी नीड फूड, क्यों ह्यूमन बॉडी को या लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड की रिक्वायर होती है ना? Just as a vehicle needs to run as fuel, as well as human body to run away needs food. यानी कि जैसे कि एक vehicles को run out करने के लिए, road पर चलने के लिए, suppose that एक car को road पर चलने के लिए किसकी ज़रूरत होती? Fuel की ज़रूरत होती, जैसे कि CNG हो गया, petrol, diesel, etc. हो गया। वैसे ही human body को बहुत सारी activities perform करने के लिए, various activities perform करने के लिए daily to daily life में किसकी ज़रूरत होती? Food की ज़रूरत होती है ना? You know that you take food daily to daily? Yes, okay. तो ह्यूमन फूड देखते हैं, सोर्सेस ऑफ इंग्रेडिएंट दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल प्लांट्स एंड सेकंड दैट इज एनिमल्स। ओके, तो प्लांट्स में जो इंग्रेडिएंट होते हैं, प्लांट्स के इंग्रेडिएंट को अगर हम देखते हैं, दैट इज द राइस, पल्सेस, वीट, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एटसेट्रा, एंड वी ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स दैट इज एग्स, मिल्क, मीट, फिशेस एंड चिकन। यानी कि ये वो इंग्रेडिएंट है जो हमें कहाँ से मिले? फूड के द्वारा हमने ऑब्टेंड किए, हमने गेन किए, प्लांट्स से जो मिले और एनिमल्स से जो हमको मिले। तो हम फिर एक बार देख लेते हैं, प्लांट से क्या मिलता है बेटा? राइस, पल्सेस, वीट, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, है ना? ओके, नेक्स्ट इज दैट बेस्ड ऑफ दियर ईटिंग पैटर्न्स एनिमल्स आर क्लासिफाइड एज। कैसा? फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हर्बीवोरियस को देखते हैं, प्लांट्स से रिलेटेड और कार्निवर्स या अदर एनिमल्स जो होते हैं वो क्या खाते हैं, ना? तो इन द क्लास 6 यू हैव ऑलरेडी रीड कैटेगरीज इज दैट हर्बीवोरियस, कार्निवर्स एंड ओमनीवर्स, है ना? ये हम तीनों कैटेगरी क्लास 6 में पढ़ चुके थे। तो इनकी हैबिटेट पर डिपेंड होकर हम देखते हैं सोर्सेज ऑफ फूड को। व्हाट इज सोर्सेज ऑफ फूड? सोर्सेज ऑफ फूड इज दैट प्लांट्स एंड एनिमल्स रिलेटेड टू ह्यूमन बींग्स एंड प्लांट्स और एनिमल्स रिलेटेड टू एनिमल्स। कैसे डिस्क्राइब करेंगे इनको हम, वो हम अभी देखते हैं। चलो देख लेते हैं कि इनको हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। व्हाट डज द फूड ऑफ द प्लांट्स कम फ्रॉम, यानी कि प्लांट्स के लिए जो फूड आता वो कहाँ से आता, और डू दे ऑल्सो डिपेंड ऑन द समवन एल्स और फॉर दियर फूड, क्या वो किसी और पर डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्लांट्स अपना खाना अपने आप बनाते हैं या किसी और पर डिपेंडेंट होते हैं। लेट्स सी दैट, है ना? Do plants also depend on the other for their food? No. क्या वो अपने खाने के लिए किसी पर डिपेंड होते हैं? क्या आप उनको आप खाना बनाकर देते हो? No. We have already learnt about that. Plants prepare their own food in the process of photosynthesis. Okay. So plants are the only organism that can prepare food for themselves. वो अपना खाना खुद बनाते हैं themselves using raw materials. वाटर, है ना? फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी दैट वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। ओके, व्हेन वी गो इन द किचन एंड हम अपना खाना बनाते हैं तो हमें किसकी ज़रूरत होती है? जैसे कि राइस,
ग्रेन एंड वाटर। हमें खाना बनाना होता है तो ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, ये रॉ मटेरियल लेते हैं, राइन ग्रेन एंड वाटर, एज वेल एज अगर प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, प्लांट्स फूड प्रिपेयर करेंगे तो व्हाट दे रिक्वायर, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स, यानी कि उनको तीन इंग्रेडिएंट की, तीन रॉ मटेरियल की जरूरत होती है प्लांट्स को, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल्स फॉर द प्लांट्स। ओके, अब देखते हैं कि वो अपना फूड कैसे सिंथेसाइज करते हैं, देम सेल्फ अपना फूड सिंथेसाइज करते कैसे वो, अब हम नेक्स्ट ये देखेंगे, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी दैट द न्यूट्रिशंस, पहले न्यूट्रिशंस का पता होना चाहिए। न्यूट्रिशंस द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइज बाय द बॉडी, यानी न्यूट्रिशंस क्या प्रोसेस है जिसमें हम खाना लेते हैं, डाइट लेते हैं, हेल्दी डाइट लेते हैं और उसके पोषक हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं और फिर हम उसको अपनी बॉडी के द्वारा यूटिलाइज करते हैं, यानी टेकिंग फूड एंड यूटिलाइजेस विद आवर, विद द हेल्प ऑफ अवर बॉडी, खाना लेना और अपनी बॉडी के द्वारा उसको न्यूट्रलाइज करना, इट इज कॉल्ड द न्यूट्रिशंस। यू हैव लर्न दैट, है ना। वॉट इज न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस टेक एंड ऑर्गेनिज्म फूड एंड यूटिलाइज बाई अवर बॉडी। ओके, तो न्यूट्रिशंस के मोड देख लेते हैं, देयर आर द टू टाइप्स ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं तो क्या होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक को डिस्क्राइब में देख लेते हैं, ऑटो वर्ड, ऑटो, ऑटो मीन्स सेल्फ, ऑटोट्रॉपिक दो वर्डों से मिलकर बना, फर्स्ट ऑफ दैट ऑटो, ऑटो मीन्स सेल्फ यानी ऑन, अपना खाना सेल्फ बनाना, अपने आप बनाना। ओके, ऑटोट्रॉप्स मीन्स नरिशमेंट यानी अपना खाना अपना बनाना और अपनी बॉडी को नरिश करना, दैट इज द ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस। ओके, यानी कि द मोड ऑफ न्यूट्रिशंस इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ, ये वो मॉड जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना अपने आप बनाते हैं, द सिंपल सब्सटेंसेज, सिंपल सब्सटेंसेस की हेल्प के द्वारा आर कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहलाता यानी कि। और नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, वॉट इज हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉपिक इज दैट ऑपोजिट टू अ ऑटोट्रॉपिक, हेट्रो, हेट्रो इज मीन्स दैट अदर यानी कि डिपेंड्स ऑन अदर, हेट्रो में हम क्या करते हैं दूसरों पर डिपेंड होते हैं, और ट्रॉप्स मतलब नरिशमेंट यानी अपना फूड नरिशमेंट करने के लिए हम दूसरों पर टोटली डिपेंड होते हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग्स हम हो गए। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डू नॉट प्रिपेयर दियर फूड देमसेल्फ, इस मोड के अंदर जो ह्यूमन बींग्स होते हैं या जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, जबकि वो टोटली दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, इसका द ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और इस पूरे न्यूट्रिशन को क्या कहते हैं, हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस कहते हैं। जैसे कि सबसे पहला एग्जांपल तो ह्यूमन बींग सेल्फ ही हो गए, आप सोचोगे हम तो अपना खाना स्वयं बनाते हैं, हम अपना खाना बनाते नहीं, हम उसको सिर्फ अपनी किचन में कुक करते हैं, वी कुक ऑनली इन अवर किचन, है ना। और रॉ मटेरियल कहाँ से लेते हैं हम, रॉ मटेरियल तो हम प्लांट से लेते हैं या फिर एनिमल्स पर डिपेंड होते हैं, यानी कि वी आर ऑल्सो कॉल्ड द ऑटोट्रॉप्स, यानी कि हम टोटली हो गए ऑटोट्रॉप्स हो गए, क्योंकि हम तो रॉ मटेरियल दूसरों से लेते हैं ना, खुद नहीं बनाते अपना खाना, तो हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आ गए। और जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आए थे, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में ग्रीन प्लांट्स हो गए, सर्टेन बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, है ना, क्लास सिक्स में भी आप लोगों ने ये पढ़ा था, तो यह चीज़ हमें बहुत ध्यान रखना, एक नंबर में, टू मार्क्स में या MCQ में भी ये चीज़ पूछ ली जाती है, कभी कभी इनके मीनिंग्स भी पूछ ली जाती हैं आपसे, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, है ना। आज आप लेट्स बी, आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि जो ऑटोट्रॉपिक और ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन था उसका फ्लो चार्ट देखते हैं। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि इस न्यूट्रिशन में होता क्या है ना, प्रिपेयर द फूड देमसेल्फ, इसके अंदर जो फूड हो रहा है ना अपना, वो अपने आप प्रिपेयर किया जा रहा है, किसके अंदर, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर अपना खाना सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं कौन, ऑटोट्रॉप्स, वो क्या कहला रहे हैं, ऑटोट्रॉप्स। मेन देखेंगे प्रिपेयर दियर ऑन देमसेल्फ, अपना खाना अपने आप बना रहे हैं, किसी पर डिपेंडेंट नहीं है बिल्कुल भी, वो ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं। और उनका अगर बेस्ट एग्जांपल मैं बात कर दी तो प्लांट्स होंगे, जितने भी ग्रीन प्लांट्स होंगे ना, वो अपना खाना अपने आप सेल्फ प्रिपेयर करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अभी नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ द फोटोसिंथेसिस, वो भी पढ़ेंगे, है ना। तो इसका जो मोस्ट एग्जांपल आप देख रहे हैं, बहुत अच्छा एग्जांपल हम देखते हैं, तो वो होता है इसका मोस्ट अच्छा एग्जांपल
प्लांट्स प्लांट्स इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ऑटोट्रॉप्स। अगर आपको एक नंबर में पूछा जाएगा तो आपको उसका जो बिल्कुल सही आंसर देना वो देना प्लांट्स। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ ऑटोट्रॉप मोड ऑफ न्यूट्रिशन, डिपेंड्स ऑन अदर फॉर फूड, इट इज द डिपेंड्स ऑन अदर, ये इसका क्या हो गया, एक बिल्कुल बहुत ही सॉलिड एक सॉलिड इसका कोटेशन है ये कि डिपेंड्स ऑन अदर ऑटोट्रॉप्स जो होते हैं वो दूसरे पर टोटली डिपेंड होते हैं, वो अपना खाना अपने आप प्रिपेयर करते ही नहीं है ना। तो जैसे एनिमल्स हो गए, फ्यू प्लांट्स हो गए, नॉन ग्रीन प्लांट्स हो गए, आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। अब क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं, हाउ डू प्लांट्स प्रिपेयर दियर ऑन फूड, यानी अगर प्रिपेयर करते हैं वो अपना फूड तो कहाँ करते हैं सबसे पहला, यानी कहाँ कर रहे हैं वो प्रिपेयर अपना फूड है ना। तो नेक्स्ट, इन विच पार्ट ऑफ द प्लांट फूड इज मेड, और उनका जो फूड होता है वो बनता कहाँ है। ओके, यानी कि फर्स्ट अगर द्वारा देखते हैं तो प्लांट्स प्रिपेयर दियर ऑन फूड कहाँ उन्होंने किया, और दूसरा वो पार्ट कौन सा होगा उनका, दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यानी कौन सा पार्ट है जहाँ पर उनका खाना बनता है, यानी कि, और थर्ड अगर मैं देखती हूँ फ्रॉम वेयर, कहाँ से लेते हैं वो अपने रॉ मटेरियल, फ्रॉम वेयर प्लांट गेट्स रॉ मटेरियल फॉर इट्स फूड प्रिपेरेशन, यानी जो खाना बना रहे हैं उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए ना, तो कहाँ से लेते हैं। वन बाई वन चलो इन क्वेश्चंस को कवर करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में कि ये सब क्वेश्चंस हमें कैसे मिलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ डू प्लांट प्रिपेयर दियर ऑन फूड, वो अपना खाना कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं। तो फूड फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे, दैट इज द टॉपिक ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का जो टॉपिक है बेटा हम वो थर्ड फोर्थ से देख रहे हैं। तो फोटोसिंथेसिस में आपको क्या याद रखना, हमने पता तो ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ऑन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड द फोटोसिंथेसिस। सिंपली द फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स है ना, तो वो हो गया हमारा फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के द्वारा वो अपना खाना बनाते हैं। सेकंड में अगर देखती हूँ, इन विच पार्ट ऑफ द प्लांट्स फूड इज मेड, कौन सा भाग है वो पौधों का जहाँ पर खाना बनता है ना। जैसा हम कि हमें किचन की जरूरत पड़ती तो इनका भी तो कोई किचन होगी ना। वी प्रिपेयर अवर फूड इन किचन, मम्मा को कोई खाना बनाना हो तो वो किचन में जाएंगी बनाने के लिए, तो उनकी किचन देखते हैं प्लांट्स की कहाँ है। प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड लीव्स, यस लीव्स इज कॉल्ड द किचन ऑफ प्लांट्स, लीव्स, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स, यानी कि पूरे प्लांट्स के लिए जो पत्तियाँ होती हैं ना ग्रीन, वो बनाती हैं खाना। ओके, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, फ्रॉम वेयर प्लांट्स गेट्स रॉ मटीरियल फूड प्रिपेरेशन, वो रॉ मटेरियल कहाँ से लेते हैं, जो कच्चे पदार्थ हैं वो लेते हैं कहाँ से, अब वो देख लेते हैं इस फ्लो चार्ट के द्वारा। इजीली आप समझ जाओगे किसको देखना, रॉ मटेरियल को देखना। रॉ मटेरियल लेंगे तभी तो खाना बनाएंगे वो अपना, तो उसके लिए जैसे हमें रॉ मटेरियल चाहिए, चाय बनानी तो चीनी पत्ती चाहिए, तो उनको भी रॉ मटेरियल यानी अपना खाना बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल वो कहाँ से कलेक्ट करते हैं। एयर, एयर से क्या लेते हैं, सी ओ टू, यानी हमें पता कि इन्वायरमेंट में सी ओ टू प्रेजेंट होती है तो वहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं वो सी ओ टू। नेक्स्ट अगर सॉइल की बात करते हैं, सॉइल से क्या लेते हैं, वाटर, यानी कि जो उनकी रूट्स होती हैं ना, रूट्स एब्जॉर्ब्स करती हैं जमीन के अंदर से पानी को। और थर्ड यानी कि CO2 को आपको पता लग गया, एयर से CO2 ले रहे हैं है ना, CO2 कहाँ से ले रहा है, प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, दे एब्जॉर्ब्स द CO2। ओके, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, CO2 को आपका कन्फर्म हो गया, यानी कि इस पौधे इसलिए हमारे फ्रेंड्स कहलाते हैं, जो CO2 हम निकालते हैं ना वो प्लांट्स ले लेते हैं। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ वाटर की, तो उनको वाटर भी चाहिए, तो वाटर कहाँ से ऑब्जर्व करते हैं, सॉइल के अंदर से, उनके जो रूट्स होते हैं नीचे से सॉइल को खींच लेते हैं। थर्ड में बात करूँ मिनरल की, तो सारे मिनरल भी सॉइल से कलेक्ट करते हैं, ये हो गया। अब देख लेते हैं, प्लांट्स विल टेक CO2 फ्रॉम एयर, एयर से ले रहे हैं, और रूट्स विल ऑब्जर्व वाटर एंड मिनरल फ्रॉम सॉइल। तो जो जाइलम और फिलोम टिश्यूज होते हैं ना, जाइलम और फिलोम टिश्यूज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जाइलम फिलोम टिश्यूज क्या होते हैं, वो ट्यूब के द्वारा होते हैं, और नीचे से क्या करते हैं, जाइलम टिश्यूज वो जो रॉ मटेरियल होते हैं उनको एब्जॉर्ब करते हैं रूट्स के द्वारा, और पूरे जो प्लांट्स होती हैं प्लांट्स में सर्कुलेट कर देते हैं उसको। ऐसे ही जो फिलोम टिश्यूज होते हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, मिनरल को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और धीरे धीरे सर्कुलेट करते हैं उसके प्लांट्स की जो लीव्स होती है ना, ग्रीन लीव्स, उसके अंदर सर्कुलेट करते हैं। और हमें पता बेटा, वी नो दैट ग्रीन लीव्स हैव द ग्रीन पिगामेंट, ग्रीन जो लीव्स होती हैं उनके अंदर ग्रीन कलर का एक पिगामेंट होता है, इट इज़ कॉल्ड द क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट जब सन की रेज क्या होती हैं, जब सन की रेज उसके ऊपर पड़ती है ना ग्रीन प्लांट्स के अंदर, तो पिगामेंट क्या करता है, उसको सिंथेसाइज करके अपना फूड बनाती हैं ये लीव्स।
ये पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं, यानी कि और ये फोटोसिंथेसिस के ड्यूरिंग द डे विल हैपन, केवल दिन के समय में ही फोटोसिंथेसिस होता। यानी कि अब हमें पता चल गया ना हमें क्या क्या चाहिए था, CO2, वाटर, मिनरल्स, है ना। तो ये सब लिया, फोटोसिंथेसिस का पूरा प्रोसेस हमारा यहाँ हो गया कंप्लीट जाइलम और फिलोम टिश्यूज की हेल्प के द्वारा। ये पूरा प्रोसेस फोटोसिंथेसिस का था। नेक्स्ट अगर मैं देखती हूँ, हाउ लीव्स एब्जॉर्ब CO2 फ्रॉम एयर। जो हमने CO2 की बात की कि एयर के अंदर तो CO2 ले रही लीव्स, लेकिन वो लेती कहाँ से, तो हम बताएंगे जो लीव्स होती है ना बेटा, लीव्स है दैट टाइनी पार्टिकल्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। जो लीव्स होती हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं लीव्स के अंदर, जो हमारी वी कैन नॉट सी दैट विद अवर नेक्ड आइज, है ना, स्टोमेटा कहते हैं उसको, इट इज़ कॉल्ड द स्टोमेटा। तो जो स्टोमेटा होते हैं अंदर लीव्स के, वो तो हमें दिखाई नहीं देते, और स्टोमेटा सराउंडेड होते हैं किस, गार्ड सेल्स। जो स्टोमेटा होंगे किससे सराउंडेड होते हैं, वो ये गार्ड सेल बनी हुई है उसके ऊपर। यू कैन सी इन द पिक्चर स्टोमेटा आर सराउंडेड बाय द गार्ड सेल। जो गार्ड सेल होती है स्टोमेटा को प्रोटेक्ट करती हैं, यानी कि जो स्टोमेटा होते हैं वो गार्ड सेल के अंदर होते हैं और प्रोटेक्टिव बाय गार्ड सेल चारों तरफ से उनको ढक लेती हैं। तो स्टोमेटा के जो पोर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो एनवायरमेंट में जो फैली हुई CO2 होती है ना उसको एब्जॉर्ब करते हैं, पोर्स खुले हुए होते हैं उसके अंदर, ऐसे CO2 ले लेते हैं। तो अगर नेक्स्ट, व्हाई हाउ टेक द प्लांट्स मिनरल रिच लीव्स, यानी कि लीव्स के अंदर आप देखते हैं कि वो कहाँ से जाते हैं, मिनरल कैसे जाते हैं, CO2 चली गई, मिनरल की बात करते हैं। तो अभी मैंने बताया था आपको, तो जाइलम और जो फिलोम टिश्यूज होते हैं ना, तो वो किसके स्ट्रक्चर में होते हैं, ट्यूब की स्ट्रक्चर में होते हैं। इन द स्ट्रक्चर ऑफ ट्यूब यू कैन ऑल्सो इन योर पिक्चर्स, ये ब्लू कलर में और लाइट ऑरेंज कलर में हूँ दिखाई दे रहे हैं, जाइलम और टिश्यूज़, जाइलम और फिलोम टिश्यूज ट्यूबलियर में होते हैं ये, है ना। तो जाइलम और टिश्यूज होते हैं ये, जो ब्लू कलर में आपको दिया हुआ दिखाया हुआ है ना, जो टिश्यूज मतलब जो टिश्यूज की स्ट्रक्चर बनी हुई वो किसको एब्जॉर्ब कर रही, वो वाटर को एब्जॉर्ब कर रही। और जो इधर फिलोम टिश्यूज हैं ऑरेंज कलर में, तो फिलोम टिश्यूज क्या हो रहे हैं, सॉइल के अंदर से मिनरल को, जो मिनरल होते हैं उनको खींच लेते हैं, वो एब्जॉर्ब करते हैं, नरिशमेंट करते हैं पूरे प्लांट्स को। तो इस तरह से ये जाइलम और फिलोम टिश्यूज सॉइल के अंदर से क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं और पूरे उसमें पहुँचा देते हैं प्लांट्स के अंदर। फोटोसिंथेसिस, फोटो मीन्स लाइट और सिंथेसिस मतलब टू कंबाइन, यानी लाइट को कंबाइन करके अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। दैट इज हम डिस्कस कर चुके हैं कि पूरा प्रोसेस डे टाइम होता है, है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज वेरी नेसेसरी इन दिस वीडियो या इन दिस टॉपिक, सनलाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और डे टाइम में होना चाहिए, ये रात में नहीं होगा। जो लीव्स होती हैं, जो पिगामेंट उनके अंदर होता है, वो केवल दिन के टाइम में एक्टिव होता है, जो सनरेस उसके ऊपर गिरती उनको सिंथेसाइज करता, ओके, क्लोरोफिल के, किसके प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। जो पिगामेंट होता ग्रीन कलर का है, अभी मैंने आपको बताया, क्लोरोफिल और पिगामेंट प्रेजेंट इन द लीव्स हेल्प लीव्स टू कैप्चर द सनलाइट, वो सनलाइट को क्या कर लेता, कैप्चर कर लेता। नेक्स्ट अगर देखते हैं, व्हाई ह्यूमन बींग्स कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ऑन फूड लाइक प्लांट्स। ये तो हमने देख लिया बेटा कि हम अपना खाना नहीं बना सकते और प्लांट्स अपना खाना बना सकते हैं, ह्यूमन्स क्यों नहीं बना सकते, वो हम देखेंगे, है ना। ह्यूमन बॉडी डज नॉट हैव क्लोरोफिल, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि हमारे पास क्लोरोफिल होता ही नहीं, वी हैव नॉट क्लोरोफिल विच कैन नॉट कैप्चर द सोलर एनर्जी, और सोलर एनर्जी को कैप्चर नहीं कर सकते, सोलर रेडिएशन को कैप्चर नहीं कर सकते, सोलर एनर्जी एंड दैट इज ऑनली कॉम्पोनेंट ऑफ दैट ऑब्जॉर्व सोलर रेडिएशन। तो अब जब सोलर एनर्जी को हम रेडिएट नहीं कर सकते हमारी बॉडी, क्योंकि वी हैव नॉट क्लोरोफिल, तो हम क्या नहीं कर सकते, फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। विदाउट सोलर एनर्जी फोटोसिंथेसिस नॉट पॉसिबल। अगर सन की एनर्जी नहीं होगी, यानी रेडिएट नहीं होगी एनर्जी, सनरेज तो बॉडी पर गिरेंगी, लेकिन वी हैव नॉट क्लोरोफिल, जो पिगामेंट है वो हमारे पास है ही नहीं, और हम फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे। तो जब हम फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे तो अपना फूड कैसे बनाएंगे, वी कैन नॉट प्रिपेयर देयर ऑन फूड लाइक प्लांट्स, है ना, क्योंकि लीव्स हैज क्लोरोफिल टू मेक देयर ऑन फूड, और हम नहीं रखते, है ना। तो उसकी कंडीशन क्या, दैट इज कंडीशन क्लोरोफिल इन लीव्स विल हेल्प एब्जॉर्बिंग सनलाइट,
क्योंकि क्लोरोफिल जो होता है वही तो सनलाइट को अब्जॉर्ब करता है, जो क्लोरोफिल होती है ना उसके अंदर वही तो सनलाइट को अब्जॉर्ब करती है सिंथेसाइज करने के लिए। दैट इज द क्लोरोफिल होना बहुत नेसेसरी फोटोसिंथेसिस में अपना फूड बनाने के लिए, बल्कि जो नॉन ग्रीन प्लांट होते हैं उनके पास नहीं होता तो वो नहीं बनाते हैं। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल किसका, सन का, सन का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है। नेक्स्ट अगर देखते हैं CO2, तो CO2 में क्या होता है, जो गार्ड सेल होती है मैंने बताया था अभी स्टोमेटा के, जो स्टोमेटा होते हैं गार्ड सेल से सराउंडेड होते हैं, वो CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं कहाँ से, एनवायरनमेंट के अंदर से। तो स्टोमेटा लीव्स हेल्प टू एब्जॉर्ब CO2 फ्रॉम एयर, एयर के अंदर जितनी CO2 होती है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो कैप्चर करते हैं। और अगर थर्ड में बात करती हैं, रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम सॉयल, और जो रूट्स होती हैं वो किसको एब्जॉर्ब करती हैं, वाटर और मिनरल को, वाटर मिनरल को नीचे से क्या करते हैं जाइलम फिलोम की हेल्प के द्वारा एब्जॉर्ब कर लेते हैं, क्योंकि तीनों रॉ मटेरियल मिल गए इनको। नेक्स्ट लास्ट में देखते हैं तो फोटोसिंथेसिस की केमिकल प्रोसेस है वो है क्या। फोटोसिंथेसिस की केमिकल CO2 प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड पिगामेंट क्लोरोफिल, है ना। तो क्या है नेसेसरी टू कंपोनेंट अगर हम देख रहे हैं इसमें, जो रिएक्टेंट CO2 और वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, क्लोरोफिल जो पिगामेंट और सनलाइट की जो रेस फॉलिंग हो रही, तो क्या बन रहा है कार्बोहाइड्रेट्स इन द प्रेजेंस, मतलब कि दोनों की प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन। तो कार्बोहाइड्रेट क्या हो गया, ये उनका फूड हो गया जो वो सिंथेसाइज कर रहे हैं, और बाई प्रोडक्ट में ऑक्सीजन दे रहे हैं, ऑक्सीजन अवर लिविंग गैस है ना, ह्यूमन के लिए ऑक्सीजन बहुत जरूरी ना, तो वो क्या कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट अपना फूड बना रहे हैं विद द हेल्प CO2 एंड वाटर, और हमें क्या दे रहे हैं बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन बना रहे हैं हमारे लिए। यू कैन सी इन द पिक्चर, है ना। तो इस उनका जो फूड हो गया वो कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में हो गया, वो कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में उनका फूड मिल जाता। वी गेन द फूड इन द प्रेजेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, दे मेक देयर ऑन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ CO2 एंड वाटर, दे गिव्स कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन। इस पिक्चर्स में आप देख रहे हैं सन की रेस गिरती उसके ऊपर प्लांट्स के ऊपर, तो वो क्या कर रहे हैं सन की रेस को कैप्चर करता पिगामेंट और अपना फूड बना लेता। ओके, इस वीडियो में आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेरी वेल। ओके, अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में बेटा, तब तक के लिए।